आदाब दोस्तों, मैं हाजिर हूँ मेरे दूसरा वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस गांव की एक महिला यहाँ पे खाना पका रही है। इस घर में पानी घुस चुका है और आप देख सकते हैं कि घर भी यहाँ पे डूब रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरा घर यहाँ पे लगभग 10 से 15 घर है जो पूरी तरह से डूब चुका है। आपको दिखाना चाहूँगा। यह देखिए, ये दूसरा घर है और ये बिल्कुल मेरे पड़ोसी का घर है जो आप देख सकते हैं कि एक रसोई घर है जो पूरी तरह से डूब चुका है। और ये उन लोग का रहने का रूम था, एक ही रूम है। इन लोग यहाँ पे फिलहाल है नहीं, इन लोग चले गए हैं दूसरे के घर में रहने के लिए। और बहुत बुरी तरह से इन लोग फंसे हुए हैं, गरीबी से तो जूझ ही रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 3 महीने से इन लोग के पास खाना पीना पैसा राशन सब खत्म हो चुका है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, और भी घर है यहाँ पे, लगभग सब कुछ डूब चुका है और यहाँ पे रहने वाला कोई नहीं है। और इनके पास, मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि इनके पास पैसा खत्म हो चुका है और लोग यहाँ पे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आपको और दिखाना चाहूंगा। ये कुछ होता है ना, नहीं होता है ऐसे। मेरे पाप हटा दिया। ये तीसरा घर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये एक रसोई घर है जहाँ पे इन लोग खाना बनाते थे। चूल्हा सब डूब चुका है, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इन लोग किसी तरह अपने घर में रह रहे हैं और खाना इन लोग पता नहीं कैसे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बकरी यहाँ पे बैठी है और यहाँ पे लोग कोई नहीं है। पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार इन लोग तकलीफ से जूझ रहे हैं। तुर्गे क्या था बेटा, के तुर्गे तुर्गे बारिश कैसे दिन का असुविधा चला है? बछरते हैं तुर्गे बारिश कैसे दिन तक तो हवा टवा ठीक करे चले है तुर्गे के कमाई के करे तू ना तो हाथ देख लाई और चाचू तुर्गे बारिश हवा टवा चावल टवा धान छे सब खत्म हो गया ना तो हमने कमने करे चोरी चले तोरा मोट चाचू की काम कर लेबारी कर तो कैसे दिन तक बारिश बैठे छे एक बछर तक। तो आप देख सकते हैं कि आंटी बता रही है कि किस तरह से एक साल से अंकल यहाँ बैठे हुए हैं घर पे, क्योंकि जब से ये कोरोना शुरू हुआ है 3 महीने पहले से और सब कुछ खत्म हो चुका है। लगभग यहाँ पे जितने जमीन है इन लोग का सब पानी से भर चुका है और बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं इन लोगों को। गरीबी से बहुत जूझ रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, राशन नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। सरकार जो हमारी है वो एकदम नहीं देख रहा है कुछ, मतलब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। सरकार बस इलेक्शन में आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं, गरीब को कुछ नहीं देखते हैं। बनकर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेंटर में पानी बिल्कुल आधे से भी ज्यादा है यहाँ पे। और थोड़ा सा अगर पीछे में अगर गया तो समझ लीजिए कि और देखिए इतना पानी है यहाँ पे। और मैं अपना हाथ भी उठा के दिखा रहा हूँ कि आंगनबाड़ी सेंटर है और पूरा यहाँ पे पूरी तरह से डूब चुकी है। सरकार से अपील है कि जितने लोग यहाँ पे बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको जल्द से जल्द सरकार उनकी मदद करें, जल्द से जल्द लोगों को खाना पहुँचाएं, जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से बचाएं। शुक्रिया।